हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। अगर आपने DSSB का एग्ज़ाम दिया था और ख़ास तौर पे हम बात करें PRT का, तो आज आपने DSSB का जो हाल है वो देख लिया होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे मार्क्स बढ़े हैं वो शायद इस वीडियो का ज़रूर विरोध करेंगे। लेकिन साथियों, जो अभी हुआ है आप पहले भी देख रहे होंगे, हम 30 वाले जो साथी हैं उनके नुकसान में खुश नहीं थे। हम पहले से ही बोलते आ रहे थे कि उनको बेनिफिट मिले, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को आ रही हैं कि काफी कैंडिडेट्स के बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ गए हैं और उसी शिफ्ट में काफी कैंडिडेट्स के मार्क्स कम भी हुए हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि DSSB का ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है। अभी 165 नंबर की भी बात आ रही थी कि 165 तक बच्चों के नंबर आ रहे हैं, अब 165 नंबर आना मींस चाहे वो डिफिकल्टी के लेवल से, अगर उनका लेवल डिफिकल्ट था उनके हिसाब से उनके 165 नंबर बढ़ा दिए। अब बात ये सोचने वाली है कि क्या कोई कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में 2 घंटे के अंदर क्या 165 नंबर ले सकता है। अब ये क्या चीज़ें हो रही हैं, DSSB क्या कर रहा है, तो बहुत दुख की बात है इतना गंदा सिस्टम हो रहा है PRT वालों के साथ। तो साथियों, इसके लिए कल 30,000 जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे आप सभी साथियों को पहुँचना है। और अभी ये रिजल्ट भी नहीं है, आपको बता देता हूँ, अभी ये रिजल्ट्स नहीं है। ये क्या है, सिर्फ मार्क्स बताए गए हैं, और जहाँ तक है DSSB ने इसलिए बताए हैं, जैसा कि आपको पता है कि कल आप वहाँ पे पहुँचने वाले थे, कल मीटिंग होने वाली है एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी के साथ। तो DSSB जहाँ तक है इसलिए DSSB ने अपलोड किया है। लेकिन साथियों, आप जरूर पहुंचे, NTT स्पेशल, TGT PGT PRT जितने भी साथी हैं जो रिजल्ट चाहते हैं वहां पर जरूर पहुंचे, और जो भी आपकी मांगे हैं आप वहां पर जरूर लेके आए। तो सुबह 8:30 बजे आपको पहुंचना है। तो ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ, आपको वहां पर सीधी जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, उम्मीद यही है कि आप सहयोग करेंगे, क्योंकि अब ये आपके हक के लिए लड़ाई है और हम नहीं चाहते कि किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो, किसी को बहुत ज़्यादा फायदा हो। लेकिन जो अब 164-165 नंबर आ रहे हैं तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये फायदा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कितना भी इजी एग्जाम है 165 नंबर आना नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में। और ऐसा नहीं, 160 नंबर भी देखे, 157 भी देखे, 130-135 भी देखे हैं, इवन 13-14 वाले एग्जाम में भी 130-140 नंबर नहीं आए थे पहले। लेकिन अब ये मार्क्स बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है DSSB का, तो आप जरूर वहां पे आए, अपनी मांगे रखें और वहां पर इस चीज पर विचार किया जाएगा। तो साथियों, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।